महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण और चरित्रण हुआ था और आज भारत में ये ऐसी घटना हुई। वहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के गवर्नर हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो अपने आप को बहुत संवेदनशील सरकार बताती है। 2 महीने तक उस पर कोई एक्शन नहीं, किसी तरह की क्रिया नहीं, किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं। वीडियो वायरल होते ही इस पर पूरा देश की सख्त प्रतिक्रिया हुई और उस सख्त प्रतिक्रिया में भी हमारे जो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने आज तक देश के प्रधानमंत्री होने का कभी भी परिचय नहीं दिया, संसद में अपने आप को देश के सामने सम्मुख नहीं कर पाए, देश के सामने कोई भी एक जिम्मेदार और जवाबदेही वक्तव्य नहीं दे पाए, ये एक अपने आप में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक शर्मनाक है। इसको आज पूरा देश देख रहा है। मणिपुर में जिस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आई है उसको लेकर पूरे भारत में और पूरे विश्व में अब वो चीज जो है किरकिरी करा रही है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने बयान के दौरान इस बात को कह चुके हैं, लेकिन अभी तक हालात मणिपुर के कंट्रोल में नहीं है। क्या कहेंगे, पूरे दृश्य को कैसे देख रहे हैं आप इसको? मणिपुर का ये जो घटना हुई है, मई की घटना है, और जो पूरी भीड़ ने, इतनी बड़ी भीड़, और भीड़ ने मातृशक्ति को, नारी को पूरी तरह से नंगा करके उसके साथ इस तरह सा चीरहरण, चरित्रहरण, इतनी अश्लीलता, इतना वो किया है, व्याभिचार किया कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण और चरित्रहरण हुआ था और आज भारत में ये ऐसी घटना हुई, और जिसको कोई भी सुरक्षा एजेंसियां, जो पूर्वोत्तर में जो वहाँ तरह तरह के एक्ट लगे हैं, इतने सख्त कानून लगे हैं, और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उसको नहीं देखा गया, न पकड़ा गया। वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के गवर्नर हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो अपने आप को बहुत संवेदनशील सरकार बताती है। 2 महीने तक उस पर कोई एक्शन नहीं, किसी तरह की क्रिया नहीं, किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं। वीडियो वायरल होते ही इस पर पूरा देश की सख्त प्रतिक्रिया हुई, और उस सख्त प्रतिक्रिया में भी हमारे जो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने आज तक देश के प्रधानमंत्री होने का कभी भी परिचय नहीं दिया, संसद में अपने आप को देश के सामने सम्मुख नहीं कर पाए, देश के सामने कोई भी एक जिम्मेदार और जवाबदेही वक्तव्य नहीं दे पाए, ये एक अपने आप में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक शर्मनाक है। इसको आज पूरा देश देख रहा है। मैत्रेय समाज जो कि वहाँ का हिंदू समाज माना जाता है, और दूसरा जो है कुकी समाज जो आदिवासी समाज माना जाता है, दोनों के बीच जो खाई है वो बढ़ती चली गई, और उसी का ये परिणाम था कि लोगों को मारा गया। जो आदिवासी जो महिलाएं थे उनको नंगा करके सड़क पर जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई, हैवानियत की गई, अब इस पूरे मामले ने एक नया रूप ले लिया है। क्या यही कारण था कि हिंदुत्व के नाम पर वहाँ नंगा नाच किया जा रहा था और सरकार चुप्पी साधे हुए थी? मुख्यमंत्री जो है मणिपुर के, वो कोई खुलकर एक्शन नहीं ले पा रहे थे। देखो, इसे हिंदू या हिंदुत्व से जोड़ना, यही अपने आप में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक शर्मनाक है, देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक कुठाराघात है, उसको तार तार करना है। हिंदू पहली बात तो कोई धर्म नहीं है, परंतु आज जो नफरत की राजनीति हो रही है और जो सांप्रदायिक विभाजन करके धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, आईटी सेल के माध्यम से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का, नारी का चीरहरण, चरित्रहरण केवल जाति और धर्म के नाम पर करना, और उसे भी अपने आप को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम पर फिर उसको राजनीति करना, मुद्दों की राजनीति से हटाकर केवल वोटों की राजनीति पर, नफरत की राजनीति करके उस आवाज़ को दफन करना, ये देश के लिए, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए और जो देश के शासनिक, प्रशासनिक और संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनके लिए एक शर्मनाक है, देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। ये राजनीतिक गुलामी और राजनीतिक गुलामों की संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित न करने पर और संसद में चुप्पी
वहाँ कोई संसद में कोई वक्तव्य ना देना, ये एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है जिसका पूरा देश देख रहा है, पूरे विश्व में भारत की किरकिरी हो रही है। पिछले कुछ समय से ऐसी बात वहाँ निकल कर आ रही थी मणिपुर में, क्योंकि जो कुकी समुदाय है, आदिवासी समुदाय, उनको आरक्षण है, विशेष अधिकार है वहाँ पर, और जो मैत्री समुदाय है वो लगातार इस बात का विरोध करता रहा। पहले भी इस तरह की घटनाएं, छुटपुट घटनाएं, और तमाम जो मैत्री समाज है वो अर्बन क्षेत्र में रहता है मणिपुर के, और जो कुकी समुदाय है वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। तो विरोध की विरोधाभास जो थी वो यहीं से पैदा होती है और इसी को बड़ा करते चली गई ये। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री भी मैत्री समाज से आते हैं। बात आज की जो संवैधानिक सत्ता है वहाँ कोई भी संवैधानिक चरित्र का व्यक्तित्व व्यक्ति नहीं है। जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हैं राजनीतिक गुलाम बैठे हैं, और जो आज की राजनीति है वो साम्राज्यवादी सोच की है। देश के साधनों और संसाधनों, मानवीय संसाधनों को पूंजीगत लाभ के लिए गुलाम या उनका दोहन और शोषण करने की राजनीति पर, अपनी कमीशनखोरी या घूसखोरी को सुनिश्चित करने के लिए अपना आर्थिक लाभ ढूंढ रही है। जितना यहाँ जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, या छत्तीसगढ़ हैं, या उत्तराखंड हैं, या जम्मू एंड कश्मीर है, ये सारे विशेष राज्य हैं जहाँ जनजातीय क्षेत्रों के या उनके स्थानीय निवासियों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। होता क्या है कि जो पूंजीपति हैं, चंद पूंजीपति हैं, जो देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, जो देश जंगलों में या पहाड़ों पर जो छिपे हुए भूमि के अंदर जो रत्न है, रत्न गर्भाजी पृथ्वी जो हम भूमि को कहा गया है, उन संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं, तो जो जनजातीय हैं वो अपनी ज़मीन को दे नहीं सकते, तो उस ज़मीन को किस तरह से ट्रांसफ़र कराएं, अपने नाम कराएं, तो वहाँ वो जनजाति समाज में अन्य समाजों को विलय करके या उसमें सूचीबद्ध करके उन संसाधनों का हड़पना चाहते हैं। ये है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप उनको कितना दोषी मानते हैं? क्योंकि एक घटना होती है 72 दिन के बाद, एक वीडियो वायरल होती है, और वीडियो वायरल होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की जाती है चार, तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद मुख्यमंत्री के नॉलेज में वो नहीं रही होगी, या फिर यूं कहें केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, या उनके नॉलेज में नहीं रही होगी? क्या वीडियो वायरल होने का इंतजार किया जा रहा था? तो इस पर आपको लगता नहीं कि पक्षपात ज़्यादा हो रहा था मणिपुर में? वहाँ बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, हिंसा चल रही है, इतनी हिंसा, और बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्री हो या गवर्नर हो या मुख्यमंत्री हो, सारे बीजेपी के हैं। मई की घटना, इतने बड़े जुलूस और उसके साथ में नारी शक्ति को, वो दो नारियों को खुलेआम जिस तरह से नग्न करके उनके साथ में जो किया गया है, जो दुराचार किया गया है, उसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। देश के इतिहास या पुराणों में कहीं पर भी ऐसा वाक्य नहीं मिला, और 2 महीने तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, तो कैसे सुरक्षित हाथों में है हमारी सरकार, हमारे देश की नॉलेज में नहीं हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे देश की सुरक्षा कितनी कमजोर है, तो नैतिकता के आधार पर उनको नैतिकता है? इनके अंदर बची ही नहीं है, ये संवैधानिक तंत्र के मानने वाले लोग नहीं है, ये शासक है कि सिर्फ शासन करने के लिए कितना भी नरसंहार किया जाए, राजसूय यज्ञ हो रहा है जहाँ नरबलियां दी जा रही है। इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा नहीं, इनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और 2 महीने बाद जब इस पर प्रतिक्रिया हुई वीडियो वायरल होने पर, तो एक अजब ही बात आई कि जिसने देश की मदद की, देश की संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और अपराध इतना बड़ा हुआ उसको उजागर करने के लिए जिसने वीडियो बनाई, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। ऐसी खबरें आज अखबारों में आई हैं, तो ये अपने आप में एक शोचनीय बात है कि अपराध को दबाने के लिए, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए कितना प्रयासरत है। आज यहाँ बेटी बचाने के लिए कोई सुरक्षा तंत्र नहीं है। कुछ लोग इसे प्रयोग मान रहे हैं कि इस तरह का एक प्रयोग किया गया है मणिपुर में, उस प्रयोग का जो है, जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से नारी शक्ति का दमन, शोषण और वो करने के लिए प्रयोग ही हो रही है। तब से देश में, देश के संवैधानिक तंत्र में, जो कि देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, बहिष्कृत लोग रहे हैं, उनको जो संवैधानिक व्यवस्था में, जो शासनिक प्रशासनिक पदों पर हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए जो आरक्षण दिया गया है, उसको छीनने के लिए, हड़पने के लिए प्रयोगी तो हो रहे हैं। क्या कहेंगे अब आगे की, जो जिस तरह, अगर वहाँ मणिपुर में नहीं हालात काबू होते हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ जो घटनाएं हो रही हैं, क्या होना चाहिए? क्या लगता है केंद्र सरकार को किस तरह का स्टेप उठाकर वहाँ के हालातों पर कंट्रोल करना चाहिए? क्योंकि प्रधानमंत्री
जो जिन शब्दों में बोलकर गए हैं वो उनसे शायद वहां मणिपुर के हालात सुधरे, ऐसा विपक्ष का मानना भी नहीं है। बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, जो साम्राज्यवादी और पूंजीपतियों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आरएसएस और बीजेपी के जो सीईओ हैं, सेक्रेटरी बनकर देश के साधनों संसाधनों को निजीकरण के नाम पर, चंद कोड़ियों के नाम पर उनको बेच रहे हैं, और मानवीय संसाधनों को गुलाम बनाने की जो एक साजिश चल रही है, उन्हें सबसे पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ही नहीं, देशवासियों से माफी मांगकर राजनीति से ही संन्यास ले लेना चाहिए। तब जाकर देश में जो बीजेपी कहती थी या आरएसएस कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम देश में हमारी राजनीति सबसे अलग है, तो ये राजनीति आज सबसे अलग है जो दिखा रही है कि जहाँ देश में मातृशक्ति की कोई भी अस्तित्व नहीं है, उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह का वो नहीं है, जहाँ जन्म जाति और क्षेत्रीय विभाजन करके उनका शोषण और दोहन करने का जो आज देखा जाता है, और जो सत्तारूढ़ पार्टी से संबंध रखने वाले लोग हैं उनको जो संरक्षण दिया जाता है, ये एक बेमिसाल मिसाल आज देश में नहीं पूरे इतिहास में रखी जाएगी। इसको पूरा देश देख रहा है और पूरे देशवासी देख रहे हैं, इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।